हेलो, हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही है? राहुल जी, सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। चलो, आज अपने बीच रुपिंदर मैम एक और ऐड हुए हैं। रुपिंदर मैम, क्या हम लोग आपके बारे में जान सकते हैं एज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन? हाँ जी, प्लीज रुपिंदर मैम आगे बढ़िए। राहुल सर वीडियो ऑन करिए। रुपिंदर मैम वीडियो ऑन। चलिए। हाँ जी रुपिंदर मैम, बोलिए। हाँ जी। माई नेम इज रुपिंदर कौर। आई एम ए हेलो। जी एन एम स्टाफ नर्स, अनिल बाग्गी हॉस्पिटल, फिरोजपुर सिटी। ओके। ओके, फिरोजपुर सिटी। एंड यू आर वर्किंग एज अ स्टाफ नर्स। ओके। तो अपना पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। पर इंट्रोडक्शन से पहले अपन क्या करते हैं, एक प्यारी सी स्माइल और एकदम सीधे बैठते हैं अपन। ना स्माइल बने रहना चाहिए, स्माइल के तो कोई पैसे लगते नहीं है ना। चलिए, तो अपन इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनीवन, किसी को भी इंट्रोडक्शन देने से पहले एक प्यारी सी स्माइल विद अ स्ट्रेट बैक, मतलब एकदम स्ट्रेट ऐसे। जब आप ऐसे बैठेंगे तो एक कॉन्फिडेंस झलकता है। अब बीइंग एज अ नर्स, अनटिल एंड अनलेस आप पेशेंट को कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे तो उसको तो दर्द होता ही रहेगा ना, हाँ जी, होता है ना। तो उसी तरीके से हाँ जब आप जी, किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपन को विद अ गुड स्माइल एंड अ स्ट्रेट बैक के साथ अपन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो सोनल मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। तो आज अपने बीच में एक और नई मैम आई है जिनका नाम है रुपिंदर मैम, ठीक है? तो आप और राहुल सर उनको इंट्रोड्यूस करके बताओगे कि अपन ने इंट्रोडक्शन कैसे सीखा था, ओके मैम, ठीक है? ठीक है राहुल ओके सर, मैम, यस मैम, चलिए राहुल सर आप इंट्रोड्यूस करिए, फिर ओके, मैं रुपिंदर मैम की भी हेल्प करूंगी। ओके। माय नेम इज राहुल शौरकर। आई एम फ्रॉम साउथ दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन इन आर्ट्स एंड माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। दैट्स सोनल ऑल। मैम, क्या यस बात है। मैम, यस आई एम, माय नेम इज सोनल ठाकुर। आई लिव इन भरूच गुजरात। आई परसुइंग माय बीए बैचलर ऑफ आर्ट सत्यम कॉलेज फ्रॉम भरूच। माय हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, डांसिंग एंड टीचिंग। आई एम फ्रॉम या आई एम परसुइंग, यानी मैं, आई परसुइंग नहीं, आई मैं एम, पढ़ रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? बढ़िया। यस यस अब बीच में ए थोड़ा सा अपन को कम करना है, ठीक है? यस मैम, अब रुपिंदा मैम एक बार आप ट्राई करिए। आज अपन बहुत अच्छी चीज सीखेंगे। नहीं, आज अपन का टॉपिक बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही निकाल लिया है, बहुत प्यारा टॉपिक है। रुपिंदा मैम एक बार इंट्रोडक्शन ट्राई करिए इंग्लिश में बोलने के लिए, या मैं आपको माय नेम बुलवाऊं? इज रुपिंदर। माई नेम इज रुपिंदर कौर। आई एम ए जी एन एम स्टाफ नर्स, अनिल बाग्गी हॉस्पिटल, फिरोजपुर सिटी। मैम आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले, हमें तुरंत तो नहीं पकड़ना, आराम से धीरे धीरे बोलिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है? आई एम रुपिंदर कौर, फ्रॉम, कहाँ से हैं आप? फिरोजपुर। आई एम वर्किंग एज अ स्टाफ
नर्स, मतलब मैं काम कर रही हूँ एज अ स्टाफ नर्स इन जो भी हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है, फिर ठीक है। से एक बार ट्राई करिए। हाँ जी, माई नेम इज रुपिंदर कौर, आई एम आई वर्किंग ऑफ एम स्टाफ फ्रॉम, नर्स। आई एम फ्रॉम, आई एम अपन कहाँ फ्रॉम से हैं? पंजाब इंडिया, फिरोजपुर सिटी। आई इंडिया एम बोल लीजिए वर्किंग, ना, आई एम फ्रॉम फिरोजपुर पंजाब, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, फिरोजपुर पंजाब, एंड आई एम वर्किंग एज अ स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स इन हॉस्पिटल का नाम अनिल बागी हॉस्पिटल। जो भी हो, जो भी हॉस्पिटल है, एम्स, दिल्ली, कुछ भी, क्या एकदम मस्त हंसते हुए बिंदास। ठीक है, क्योंकि ओके। क्या होता है, कभी कभार अपन को ये लगता है, चाहे अपन इंटरव्यू में हो या कहीं भी हो, एनी वेयर इन इंडिया या एनी वेयर कहीं भी, जब कोई अपन से इंग्लिश बोलना चालू करता है ना, तो अपन ऐसे हो जाते हैं, एकदम फबल कर जाते हैं, है ना, कि अरे ये तो इंग्लिश में बोल रहा है, मेरे को तो आती नहीं है। ऐसा नहीं सोचना, अपन को आती है। वहां पे अपन को वी हैव टू कीप अवर कॉन्फिडेंस हाई ना, देयर अपने में किसी में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, इतना अपन को पता है। वी हैव गुड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस, अपन को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बार मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, चलो रुपिंदर मैम को भी जानना है, मैं भी जान। आई एम कनिका नायक जैन, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम एसोसिएटेड विथ माँ सरस्वती ट्यूटर्स, एंड माई हॉबीज आर गार्डनिंग एंड प्लेइंग विथ माई किड। सिंपल, प्यारा सा, स्ट्रेट सिंपल। अब जैसे अपन कहीं प्रोफेशनल में, जैसे राहुल सर है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब कहीं प्रोफेशनल अपन इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अपन हॉबीज बोलना भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, वहां पे अपन को टेक ओवर करके कुछ एकेडमिक्स के बारे में बता दीजिए, किसी के बारे में बता दीजिए, हाँ, जैसे अपन को कवर अप करना रहता है। जैसे आप भी अब कोई दूसरे हॉस्पिटल में एज अ नर्स के लिए अप्लाई करने जाएंगे आप, तो यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन, राइट? अपनी हर चीज इंट्रोडक्शन से ही होती है। जैसे सोनल मैम कहीं गई, एज अ स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई किया, इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा आपसे, तो आपको इंट्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चेंज करते रहना। ठीक है, ओके, तो आज का अपना टॉपिक है, कोई गैस करेगा क्या हो सकता है? एनी गैसेस, एनीथिंग। एनीथिंग? आज एनीथिंग नहीं है, वी विल लर्न अबाउट गुड मैनर्स इन इंग्लिश। ओके, हर चीज के मैनर्स होते हैं, खाना यस खाने मैम। के, प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल में होते तो उसको अपन रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम देते हैं, बट देयर शुड बी समथिंग, व्हाट आई थॉट कि देयर शुड बी समथिंग नोन एज मैनर्स इन अवर इंग्लिश ऑल्सो। दो मैनर्स तो मैंने आपको बताया, विद अ स्माइल एंड विद अ सिट स्ट्रेट, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, ये दो चीज तो मिले। अब मैनर्स इन इंग्लिश क्या होता है, कोई गेस करेगा? एनीवन? वाइल्ड टॉकिंग, लाइक यू नो, हम लोग हमको कुछ उनके साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सब जब ग्रीटिंग्स है इसको मैनर करते हैं, इट्स कॉल्ड मैनर। शिष्टाचार से बोलना चाहिए ऐसा, यस यस सिस्टर। शिष्टाचार से बोलना चाहिए। ओके, रुपिंदर मैम आप कुछ बोलेंगे, अपने प्योर इंग्लिश में हिंदी। मैनर्स कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। वो तो अच्छे होने चाहिए, बट क्या होने चाहिए? मैनर्स। ओके, ठीक है, तो अपन जैसे मैं जैसे बात करूं, तो वी आर हेयर, तो अपन ऑलमोस्ट लाइक ग्रीट करना, जैसे अब मेरे को आप टीचर बोल रहे हो, तो बट मैं ऐसे बोल रही हूँ क्या, रुपिंदर, सोनल, राहुल? नहीं। इट्स लाइक गिविंग रिस्पेक्ट, तो अपन किसी भी चीज को रिस्पेक्ट से जब बात करते हैं, जैसे अपन किसी से घर में बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू अवर एल्डर वंस इन अवर होम, व्हाट वी से?
जैसे इफ वी आर टॉकिंग टू अवर फादर, पापा जी, फादर, वी डोंट टेक नेम्स, है ना, वी यूजुअली गिव देम रिस्पेक्ट. अब जैसे इंग्लिश में होता है, व्हेन समवन सेज यू प्लीज कम एंड सिट ओवर हियर, तो अपन क्या बोलते हैं उनको, थैंक यू. मैंने उनको बोला प्लीज कम, मतलब प्लीज आइए, वी ग्रीटेड हिम प्लीज, है ना. फिर किसी कोई कुछ अपन को दे रहा है तो थैंक्स, वेलकम, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैनर, इट पुट्स अवर वेटेज इन अवर स्पीकिंग इंग्लिश. प्लीज, वेलकम, थैंक्स, ओके, कभी कभार ओके भी होता है, ओके इज ऑल्सो अ मैनर इन अवर वर्ड, बट वो ओके ऐसा वाला नहीं, ओके हाँ ओके ऐसे नहीं, ओके विद अ स्माइल, एक्सक्यूज मी, जब व्हेन समवन इज पेइंग अस समथिंग और थैंक यू बोल रहा है वो, तो इट्स माय प्लेजर, और वो इट्स माय प्लेजर भी अपन कैसे बोलते हैं, हल्का सा बो डाउन करके, इट्स माय प्लेजर. अपन किसी को पैर लग गया, किसी को कुछ हो गया, सॉरी. दीज आर सम वर्ड्स, दीज आर सम वर्ड्स वेयर वी यूज इन डेली लाइफ, वी कीप ऑन यूजिंग दीज वर्ड्स इन डेली लाइफ, वी कीप ऑन यूजिंग दीज वर्ड्स टू कीप ऑन, मतलब टू कीप पेइंग रिस्पेक्ट टू अवर एल्डर वंस और नियर और डियर वंस, इवन टू द यंगर वंस ऑल्सो. अमन उनको बोलते चलो सॉरी बोलो, क्यों बोलें, कभी कभार ऐसा भी होता है, नहीं. टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन इंग्लिश, अपन के पास ये सब होना चाहिए. जैसे सपोज मैं कहीं इंटरव्यू देने गई, ठीक है, मैं खुद ही बोलती, मैं कहीं इंटरव्यू देने गई, तो द प्रेसिडेंट हैज ऑफर्ड मी अ सीट, तो व्हाट वी विल से, थैंक यू सर, थैंक यू, है ना. अब रूम में अपन घुसते हैं, किसी के रूम में जा रहे, तो अपन क्या करते हैं, नॉक करेंगे डोर, कैन आई कम या मे आई कम इन प्लीज, वी आस्क दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. तो यहीं से आपकी इंग्लिश इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी, ये छोटी छोटी बातें, दिस विल इंक्रीज योर स्पीकिंग इंग्लिश. अब और इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी अपनी, किसी को आइडिया? रुपिंदर मैम, बुक पढ़ना अच्छा लगता है आपको? म्यूट है, यू आर म्यूटेड. हेलो मैम, स्पीक, बोल बोल के, बोल बोल के, और किसी से बात करनी तो इंग्लिश में. ओके, लिसनिंग, लिसनिंग, बोल बोल, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, राइटिंग. अच्छा, मैंने सेंटेंसेस दिए थे, कुछ इम्प्रूव हुआ? यस मैम. इंग्लिश रुपिंदा मैम एक चीज से और बढ़ती है, पता है, जब अपन बात करते हैं ना, तो बात करने के साथ अपन अपना थोड़ी सी ये जो विंडो विंडो होती है ना, विंडो को थोड़ा अपन खोलते हैं, अपन अपनी इमेजिनेशंस को बढ़ाते हैं. वो इमेजिनेशंस कैसे, नहीं, जब आप कंटिन्यूअस रीड करेंगे, कुछ भी रीड कर लीजिए, छोटी सी स्टोरी बुक, कोई भी आर्टिकल, एनीथिंग, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. ये समझ में आया मैनर्स इन इंग्लिश? Yes, ma'am. कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे इसमें अपने, अपना वेटेज बढ़ेगा, बढ़ेगा ना. सेंटेंसेस बनाए कि आज कन्वर्सेशन करना, आज आपके पास दो ऑप्शन है, मेकिंग सेंटेंसेस और कन्वर्सेशन. सोनल मैम, एज यू लाइक मैम, बोथ ऑफ टॉपिक आई लर्न. चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, दोनों करते हैं, चलिए, ठीक है, ओके. रुपिंदा मैम, पेन और पेपर है आपके हाथ में? यस मैम. मैं छोटे छोटे इजी वर्ड्स दूंगी, यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है, जो भी सेंटेंस हो इंग्लिश में, बहुत इजी. रेडी, एवरीवन इज रेडी?
यस मैम यस मैम सोनल मैम यस मैम रेडी यस मैम आज फर्स्ट वर्ड इज पार्टिसिपेशन 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 मीन्स डिवाइडर जी मीन्स पार्ट पार्ट लेना किसी में हिस्सा लेना ओके टू जॉइन तू काम चाहिए कोई प्ले में हिस्सा लेना कोई पार्टी में मतलब कोई इवेंट एनी टाइप ऑफ अ इवेंट जहां पे हम इन्वॉल्व होते हैं जिसको अपन हिंदी में एक्चुअली बोलते हैं भागीदारी मतलब किसी में पार्ट लेना भाग लेना बन गया Ready? Yes, ma'am. Rahul sir. चलिए जब तक के अपन देखते हैं हाँ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन टू इंप्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वी शुड पार्टिसिपेट डिबेट कंपटीशन वो पार्टिसिपेट हुआ मेरे को चाहिए पार्टिसिपेशन 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 अच्छा एक अच्छा चलो ठीक है मैं उस चीज का भी कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ पार्टिसिपेशन हो जाएगा प्लूरल फॉर्म मतलब जब बहुत सारे लोग देयर वॉज अ पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रूप्स ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड मतलब पार्टिसिपेशन यानी बहुत बड़ा ग्रुप था जिनका पार्टिसिपेशन हुआ अब पार्टिसिपेट की बात करें तो वो एक ही का होगा वो सिर्फ आई पार्ट ठीक है ओके सोनल मैम आपने क्या बनाया मैम मैंने भी पार्टिसिपेट वाला ही बनाया था रुपिंदर मैम मैम मैंने भी सिंगुलर और प्लूरल है ना यस जिसमें जिस सिंगुलर मींस सिंगल सो वी कैन से पार्टिसिपेशन इज द थिंग वी शुड इन्वॉल्व विथ something मैं नहीं क्या 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 फिर से रिपीट करिए प्लीज पार्डन प्लीज मैम जैसे एग्जांपल देती हूँ ओके क्लासरूम पार्टिसिपेशन तो क्लासरूम में एक सिंगल स्टूडेंट होता है कि बहुत सारे बहुत सारे अभी समझ में आया देयर वॉज इन 26th जनवरी देयर वॉज अ पार्टिसिपेशन ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स बनेगा सेंटेंस द पार्टिसिपेशन डन बाय द क्लास 6 स्टूडेंट्स वॉज ऑसम
कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं लग रहा, समझ में आया? अच्छा देयर इज ए पार्टिसिपेशन इन माय कॉलेज वेयर आई अटेंडेड अटेंडेड भी हो सकता है, वेयर आई एक्टेड एज अ कोई भी एक रोल का नाम ले लीजिए आप, एनीथिंग कैन बी डन, नो इश्यूज. ओके ओके सोनल मैम, सेंटेंस क्या बनाया था, सेंटेंस तो शेयर करिए. यस मैम, नर्मदा कैडेट स्कूल इन साइंस प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशंस. So my son, he is second class. All students are participation in science project. आपने जो सेंटेंस बनाया था पार्टिसिपेट पे बनाया था आपने, राइट? पार्टिसिपेशन ऑल स्टूडेंट्स. ओके तो आप ये लिख सकते हो. फिर से बोलो एक बार सेंटेंस, अपन उसको रीअरेंज करते हैं, उसको एक पूरा फ्रेमवर्क में लाते हैं. नर्मदा कैलोरेक स्कूल इन साइंस प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन. सो हिज क्लास सेकंड क्लास ऑल स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन साइंस प्रोजेक्ट. ओके अपन ये बोल सकते हैं, वी कैन से लाइक दिस, क्लास टू स्टूडेंट्स ऑफ नर्मदा वैली स्कूल गेव अ गुड पार्टिसिपेशन इन साइंस एग्जीबिशन. We can say like this. रुपिंदर मैम आपने क्या बनाया था सेंटेंस? मैंने तो छोटा सा ही बनाया था. हाँ देखिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे से ही बड़ा बनेगा सेंटेंस. इंग्लिश भी इतने इतने से ऐसे ऐसे ही बढ़ेगी अपनी. हाँ जी मैम, हमने बनाया था आई एम प्लेइंग. हाँ जी टू कॉलेज. उसमें तो पार्टिसिपेट वर्ड ही नहीं आया ना, पार्टिसिपेशन वर्ड आया. अपन को सेंटेंस बनाने हैं जिसमें वो वर्ड आए. जैसे एक वर्ड और लेते हैं, चलिए अभी समझ में आया मेक सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंस. मतलब जो जो वर्ड मैं दूंगी आपको वो वर्ड आपके उस सेंटेंस में आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड. अज्यूम. अज्यूम मीन्स मैम अब्यूज के. अज्यूम अज्यूम ASUME ASUME अज्यूम मीन्स क्या होता है मैम? किसी चीज को मान लेना, मतलब सपोज आई एम अज्यूमिंग दैट द नेक्स्ट ईयर आई विल गेट गवर्नमेंट जॉब. अज्यूमिंग हो गया, ING लग गया. यस मैं अज्यूम पूछ रही हूँ. अज्यूम आई अज्यूम अनुमान करना. हाँ और अज्यूमिंग मतलब अनुमान करना, अज्यूम मतलब मान लेना. ठीक है ओके. टेक योर टाइम, आराम से सोच के बनाइए. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. है वी हैव वन मिनट टू मेक सेंटेंस. सेंटेंस सर द सेम सेंटेंस कैन आई कैन यू कैन रीड. हाँ द सेंटेंस आई गॉट योर मीनिंग, आप उसको रीफ्रेम करिए. यस आई अज्यूम दैट अपकमिंग नेक्स्ट ईयर आई विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब. या उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट आई अज्यूम नेक्स्ट ईयर आई विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ आई विल बी एन गवर्नमेंट ऑफिसर. आई विल बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर. ठीक है रुपिंदर मैम, आपने क्या बनाया सेंटेंस?
नहीं बनाया मैम. नहीं बनाया, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सोनल मैम आपने क्या बनाया? I assume I can speak English. I can speak English. कुछ रीफ्रेम करो. I assume that in 2 months I can speak English. ठीक है? Okay. और दो वर्ड्स रुपिंदर मैम अज्यूम okay, यानी मान लेना. हिंदी में कुछ बताओगे आप सेंटेंस? हिंदी में बताइए रुपिंदर मैम. आप म्यूट हैं. रुपिंदर मैम अनम्यूट करो. हाँ जी हाँ. I am amused that knowledge. हिंदी में बताओ आप सेंटेंस, मैं आप इंग्लिश में हेल्प करूंगी. कोई बात नहीं, कोई बात. अच्छा एक सिंपल सा वर्ड है, रिमेम्बरिंग. रिमेम्बरिंग याद रखना. छोटा सा सेंटेंस सोचिए. इट इज टू डिफिकल्ट टू रिमेम्बरिंग अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी. It is. फिर से. Remembering a lots of vocabulary, sometimes it becomes very difficult. Remembering lots of words in vocabulary. ये भी लिख सकते हैं. Makes it difficult, है ना? Yes. ओके एक्सेप्टेड. थोड़ी सी पॉलिशिंग जरूरत है इस सेंटेंस में, थोड़ी सी. करेंगे. सोनल मैम. यस मैम. बना सेंटेंस रिमेम्बरिंग में. रुपिंदर मैम आपने कुछ सोचा? Ma'am, it is Jiran. It is Jiran. It is called Jiran. Okay. Rupinder ma'am, sentence. Ma'am, कोई भी चीज को याद रखना. वो उसका मीनिंग हुआ. उसमें कुछ सेंटेंस बनाइए. आई कैन स्पीक मैम. हाँ श्योर. ही इज रिमेम्बरिंग ऑलवेज ऑन टाइम. डू यू कंप्लीट योर होम डू यू कंप्लीट योर डू यू कंप्लीट योर Do you complete your बोलिए सोनल मैम, बोलिए सेंटेंस. यस मैम.
He is remembering always on time. रिमेम्बरिंग यानी जब अपन किसी को याद रखते हैं या याद मतलब अपन हमेशा उनको याद रखते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड रिमेम्बरिंग. ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस बनाऊंगी, आई हाँ हाँ रूपिंदर मैम बोलिए. आई एम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर बट आई रिमेम्बर. फिर से बोलिए, फिर से बोलिए. आई एम थिंकिंग अबाउट अबाउट माई फ्यूचर बट आई रिमेम्बर पास्ट. वो रिमेम्बर हुआ, रिमेम्बरिंग. ओके, एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड ट्राई किया आपने. रिमेम्बरिंग पे अपन वी कैन मेक, हाँ वी कैन मेक सेंटेंस, आई कीप रिमेम्बरिंग माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, या अपन होते ना किसी की याद में, है ना. ठीक है, थोड़ा हार्ड हो गया वर्ड, yes. ऐसा लग रहा है. मैम आई कैन स्पीक? हाँ हाँ श्योर श्योर श्योर, बोलिए बोलिए. I am remembering spoken English class timing. वो remember होगा, remembering याने लंबे कुछ मुझे चीज याद, याद हो चुकी है. चलिए थोड़ा और easy sentence लेते, चलो. Spend, S-P-E-N-D, spend. Spend. S-P-E, spend. Means क्या होता है? Spend यानी खर्च कर देना. खर्च. Spend खर्च spend. करना या बिताना. Okay. Can I try, ma'am? We should spend our time. We should spend our time. Good way. We should spend we our should time good way so that we can gather some knowledge. Very good. Ab kaun bolega? Do aap dono ke sentence bane? Sonal ma'am. Yes, my husband is give me 10,000 rupees. I spend it in shopping. 10,000 rupees. आप ये भी बोल सकते हो, I spend my rupees in shopping. Yes. Okay. राहुल सर ने time को लेके बोला, आप पैसे को लेके बोल रहे हो. Very good. रुपिंदर मैम, अब आपकी बारी. नहीं बना? नो मैम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बनेगा बनेगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है. ओके, एक और इजी वर्ड देती हूँ मैं, ठीक है, और इजी. टाइम. अब टाइम पे सब बनाना सेंटेंस. यदि क्लास डिसकंटिन्यू हो जाए, डिस्कनेक्ट हो, तो रिज्वाइन करना है. आई ट्राई मैम. हाँ श्योर, प्लीज ट्राई करिए. यस मैम. आई ऑलवेज ऑन टाइम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन. नहीं नहीं थोड़ा सा रीफ्रेम करिए. आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन माय टाइम. आई ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन माय टाइम. ओके,
आई ऑल सोनल मैम का सेंटेंस अपन ये बोल सकते हैं आई ऑलवेज आई एम ऑलवेज ऑन टाइम